हल्द्वानी और लालकुआ क्षेत्र में नए वित्तीय वर्ष के बाद शराब के बढ़ाए गए दामों की वजह से ओवर रेटिंग का खेल चल रहा है। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष में सभी अनुज्ञापियों को आबकारी विभाग की तरफ से निर्देशित भी किया गया है रेटलिस्ट को चस्पा किया जाए। इसके बाद भी कई जगह रेटलिस्ट नहीं लगाई जा रही है। जिन क्षेत्रों से शिकायत आ रही है वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद दुकानों में लगी सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद से जो शराब की दरें हैं उसमें 30 रुपये से लेकर 170 रुपये की वृद्धि हुई है। कुछ जो पुराना स्टॉक जितने भी हमारे FL2 हैं उनके माध्यम से FL5 को मिला है उसको लेकर भी थोड़ा सा लोगों में शंका है। और जितने भी अनुज्ञापी हैं उनको विभाग द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि वो उस पर नए रेट का स्टिकर लगाएं। कुछ जो पुराना स्टॉक है चूँकि उस पर पुराने रेट प्रिंटेड हैं इसको लेकर भी लोगों में शंकाएँ पैदा हो रही हैं। उसी को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को भी ये कहा गया है कि उसके लिए एक क्लेरिफिकेशन वो सामान्य सूचना निकालेंगे। साथ ही जहां पर भी ओवर रेटिंग की शिकायतें आ रही हैं उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भी वेरीफाई कराया जा रहा है। अगर कहीं पर शिकायतें मिल रही हैं तो विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।